सांस फूल रही है, दो कदम चलना मुश्किल है। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मैं अमरदीन नॉर्डन राइडर स्वागत करता हूं आप सभी का स्पीति सीरीज़ के एक और नए ब्लॉग में। सो गाइज़, पिछले कल हम रुके थे कलांग में, और आज का जो प्लान है हम जाएंगे अभी त्रिलोकीनाथ उदयपुर में जो है, और वहां से वापस आने के बाद हम बारालाचा जाएंगे। वहां पे हम सूरज ताल लेक जो है वो कवर करेंगे आज के ट्रिप में, और फिर वापस गर्मपो की साइड जाएंगे। सो गाइज, और देखो वेदर यहाँ का बड़ा सुंदर हो रखा है। टाइम अभी मेरे ख्याल से 7:30 हो रहे होंगे, हम निकलेंगे जल्दी से। और बारालाचा पास में कल तो बर्फ गिरी थी, आज पता नहीं, और हल्की हल्की बारिश की बूंदें भी गिर रही हैं। ये देखो हल्की हल्की बारिश की बूंदें भी गिर रही हैं। और यहाँ से देखो भाई, खतरनाक सीन है। पहाड़ों पे मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है आज, और हवा चल रही है तेज़, बारिश की बूंदें पड़ने लगी। आज लग रहा है माहौल बनेगा ऊपर पहाड़ों पे बारालाचा में। देखो भाई यहाँ से कितने सुंदर लग रहे हैं फ्लैग, दिल खुश हो गया। चाय आ चुकी है, और आप सभी को इंट्रोड्यूस भी करवा देता हूँ। तो ये तो मेरे जीजा जी हैं भाई, आपका नाम? अवनीत। अवनीत भाई हैं, विक्की भाई हैं, कमल, कमल भाई हैं। तो हम स्पीति टूर में सभी साथ में रहेंगे, तो हम पीते हैं चाय। चेनूब हो गई, बाइक भी ऑन कर दी, थोड़ा सा मौसम ठंडा है, और हाइड्रेशन बैग भरना बाकी है, वो भरना है, और उसके बाद निकलेंगे। बढ़िया हो गया, धूप आ गई ना, ये चाहिए। हम अभी एक जेरिकन खरीद रहे हैं ऑयल के लिए, 20 लीटर का खरीद लेंगे उसमें, ताकि हमारा कल का और काजा तक का अपॉइंटमेंट कवर कर देगा। सो चलते हैं गाइस, तेल डलवा लिया और बारालाचा जा रहे हैं। पहले हम बारालाचा केलांग से आगे, अगर हमें त्रिलोकीनाथ जाना है तो हमें केलांग से पीछे जाना पड़ेगा। और बारालाचा यहाँ से है 76 किलोमीटर, 1043 का वहाँ का ATA है। यहाँ से सरचू 97 किलोमीटर, और जिसपा यहाँ से 14 किलोमीटर है। अभी टाइम हो रखा है 9 बजने वाले हैं। एक्चुअली हमने सोचा था 9 बजे निकलेंगे, पर हम आधा घंटा पहले निकला है, वो अच्छा किया हमने, सारा काम हो गया, तो पहले निकलने में कोई परहेज नहीं। गाड़ियाँ शायद ऊपर से जाके आ रही हैं, रोड कहीं कहीं मिलने लगा है थोड़ा थोड़ा खराब। और ये देखो भाई, पूरे पहाड़ों से पत्थर नीचे आते रहते हैं, इधर चट्टाने टूटती रहती हैं इधर। 65 किलोमीटर मोर टू गो। BRO को सैल्यूट है जो इतने बढ़िया रोड बना रखे हैं इतने दुर्गम इलाकों में। और कितने सुंदर सुंदर रिवर साइड कैफे, रिवर साइड कैंपिंग भाई, बड़े सुंदर बना रखे हैं लोगों ने। जिसपा होमस्टे, जिसपा में होमस्टे वगैरह भी हैं, कैंप साइट भी हैं, जिसपा में सारी चीज़ें हैं। इन सुंदर जगहों से ट्रैवल करने का मज़ा ही कुछ और है भाई। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हुए यूनिफॉर्म में स्कूल की, छोटे पेड़ है पहाड़ों पे, ज़्यादा घने नहीं है। चलो जी, बोर्ड दिखा है आगे, देखते हैं क्या लिखा है बोर्ड में। सरचू 82 किलोमीटर, यही लिखा है। चलो भाई, सुंदर सुंदर घाटियों के आस पास भी नज़ारे लेते रहो, और बहुत मज़ा आने वाला है स्पीति टूर में। अभी तो दूसरा दिन ही है स्पीति टूर का, और कल से जो सुपर एडवेंचर होगा वो कल से होगा। नज़ारे दिखे हैं, देख लेते हैं रुक के। सो फोटो शूट हो गया हमारा, अब हम निकलने के लिए रेडी हैं। यहाँ से दारचा 3 किलोमीटर है, और ट्रकों की लंबी लाइन दिख रही है मुझे, जाम ना लगे। 48 किलोमीटर और है हमारा सफ़र, और ये दारचा यहाँ से 2-3 किलोमीटर दारचा के पास ही ट्रकों की बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है ऊपर तक। यहाँ पे जगह जगह आपको कैफ़े और ढाबे मिल जाएंगे, तो खाने पीने की तो कोई दिक्कत होगी नहीं यहाँ पे देखा जाए तो। क्या ही सुंदर ब्रिज बना रखा है, नीचे लोहा है और ऊपर इन्होंने सीमेंटेड कर रखा है इस ब्रिज को। यू हैव जस्ट विजिटेड दारचा ब्रिज, ये दारचा ब्रिज था जो हमने अभी विजिट किया।
और यही जो पहाड़ है मैं दिखाने के लिए रुका था, डिफरेंट काइंड ऑफ रॉक्स का एक पूरा ढेर है। गर्जा ढाबा, मैंने बोला आपको ढाबे और कैफे बहुत मिल जाएंगे आपको। बहुत लंबी लाइन है इधर से लगी हुई है भाई, क्यों पता नहीं, ट्रैफिक अभी चलने लगी है। बड़ी देर से हम रुके थे, 20 मिनट तक तो वेट किया ही किया हमने। अभी धीरे धीरे चल रही ट्रैफिक, तो हम निकल रहे हैं धीरे धीरे आगे। पूरा फिर से गाड़ियाँ, फिर से लाइन लगने लगी। और यहाँ एंट्री करवानी पड़ेगी। तो यहाँ पे होगी एंट्री, देखते हैं क्या मांगते हैं। यहाँ पे इन्होंने बाइक का नंबर नोट किया, गाड़ियों का नंबर नोट कर रहे हैं, और फॉरेनर की कर रहे हैं प्रॉपर एंट्री। पासपोर्ट के साथ में एंट्री हो रही है फॉरेनर की। चलो जी मज़ा आ गया। हमने बारह लाचे की तरफ टर्न ले लिया था यहाँ से, और 43 किलोमीटर मोर टू गो। पहाड़ों को देखे ना, जो आनंद मिल रहा है वो अलग ही लेवल का है। अभी मैं करूंगा बैटरी चेंज और उसके बाद बढ़ेंगे आगे। अरे धीरे धीरे हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं, अभी भी 14 किलोमीटर और हैं, साथी पीछे हैं। सोच रहा हूँ एक बार रुक के ब्यूटी को निहार लूँ, पहाड़ों की सुंदरता को निहार लूँ रुक के। और ये देखो भाई, ही इज ऑन साइकिल। दम है यार, धीरे धीरे जाएगा ये पतक। और आप देख लो, आप भी जो है, हम 14 किलोमीटर दूर हैं और अभी से पहाड़ बर्फ से ढके, पहले नीचे से तो दिख रहे थे, अभी सामने हैं। अपनी गाड़ी वहाँ आ रही है, मैं इसलिए स्लो चल रहा हूँ कि इनके साथ में रहूँगा तो ठीक रहेगा। क्या बताओ, ऊपर नेटवर्क रहे ना रहे, ढूंढना मुश्किल हो जाएगा एक दूसरे को। और भाई मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे बाइक राइड करने का, बहुत ज़्यादा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप इस सफ़र पे आओ और आप आनंद ना उठाओ इस सफ़र का। आनंद तो आएगा ही, चाहे आप बाइक से आओ या गाड़ी से आओ। धीरे धीरे ऐसे बढ़ते रहेंगे बारह लाचा दर्रे की तरफ, और आप वापसी में हम जाएंगे त्रिलोकीनाथ के लांग क्रॉस करने के बाद में, और उसके बाद फिर त्रिलोकीनाथ से वापस आएंगे, और शाम का स्टे कहाँ करेंगे वो तो भी डिसाइड करेंगे। बर्फ की बड़ी बड़ी दीवारें जमी हुई सड़क के दोनों साइड देखने को मिल रही है, सामने पहाड़ों पर बर्फ, और अभी भी 12 मिनट का रास्ता और है। ये देखो भाई, असली जन्नत तो यहाँ पे है। हाँ भाई, जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं ना, बर्फ की जो है मात्रा भी बढ़ रही है रोड के बगल में, पहाड़ों पे भी। वाटर क्रॉसिंग है रे बाबा,
साइड जाना पड़ेगा। सो बॉर्डर क्रॉसिंग एक क्रॉस कर ली, बाइकर्स आ रहे हैं, कर्नाटका के नंबर की गाड़ियां हैं, ट्रक वाले दे रहे हैं हॉर्न, देते रहो भाई, हम आगे आगे तुम्हें हॉर्न देने, हॉर्न दो। यहाँ पे रुकी हुई है जनता और मेरा मन भी यहाँ रुकने का है तो मैं यहाँ रुकता हूँ, अपने साथियों का इंतजार करते हैं। यहाँ से देखो पहाड़, भाई साहब दिल खुश नज़ारे हैं, दिल खुश। ये देखो भाई ये सब नज़ारे हैं। सो गाइस हम निकल चुके हैं, इधर रुका था मैं, फ़ोटो किए और वो गाड़ियों का जाम था तो पीछे अपनी गाड़ी फंस गई थी, जैसे वो आई है वो निकली आगे। अब बारा लाचा जो पास है वो जून से स्टार्ट होता है खुलना, मई जून में खुलता है, बीच बीच में बंद भी होता जाता है, बारिश या बर्फ़ जब गिर जाती है मौसम ख़राब होने के चलते तो ये बंद भी हो जाता है। फिर नज़ारे गजब के हैं और हम पहुंच ही रहे हैं आखिरकार बारा लाचा दर्रे पे। सो गाइस अभी मैं हूँ बारा लाचा में, 4850 मीटर की ऊंचाई पे है ये दर्रा और आप जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा बर्फ से ढका पड़ा है। नीचे चले गए थे और नीचे से यहाँ तक आते आते सांस फूल गई, दम निकल गया, ऑक्सीजन लेवल कम है इधर बहुत ज़्यादा। एक फ़ोटो खींचनी है बारा लाचा के बोर्ड के साथ में, फिर हम चलेंगे वापस। सो गाइस हम निकल चुके हैं वापस बारा लाचा से और सच में ऊपर ऑक्सीजन की काफ़ी कमी है, हम ज़्यादा ही देर रुक गए, चलो नीचे जा रहे हैं तो ठीक हो जाएंगे। मेरे नीचे जो लेक है वो सूरजताल लेक है और पूरी जमी हुई है, कुछ सब बर्फ दिख रहा है और हल्का हल्का पानी कहीं दिख रहा है बट पूरी जम गई है। सूरजताल लेक है ये, बारा लाचा से थोड़ी सी पहले है, नज़ारे अद्भुत हैं। गाइस चलते हैं नीचे, चलो भाई चला। चलो
सो गाइस हम रुके हैं यहाँ खाना खाने के लिए और खाना ऑर्डर कर दिया है, खाना आ रहा है। मेरे लिए ब्लैक टी बनाना था, परांठे आ रहे हैं गर्मा गर्म। और देखो ये कितना अंदर सही बंदोबस्त करके रखा है इन्होंने। और भाई हालत ख़राब है, मैं सो रहा हूँ, पूरा सर ऐसे ऐसे कर रहा है। ऊपर ऑक्सीजन कम थी और हमने ज़्यादा टाइम ऊपर बता दिया ना। अब धीरे धीरे नीचे जाएंगे, थकान बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो रही है, सांस फूल रही है, दो कदम चलना मुश्किल है। चाय पी के देखते हैं कुछ माहौल बदले तो बदले। भाई परांठे परांठे चल रहे हैं, थोड़ी सी ताकत आई है अभी, परांठे खा के ताकत आई है अभी। हाँ बिल्कुल भाई, दो स्टेप नहीं चली जा मुझे तेल दे भाई, तो दौड़ी ना कोई आए हुए फास्ट कोई आए हुए। मैं देखा ना उन्होंने कदा जोर है भाई लंदे। काली चाय, अच्छा ब्लैक टी नहीं, ब्लैक टी भी ले रहे, आ रहे हैं आ रहे हैं। भाई लंच हो गया, अब निकल रहे हैं हम, अब सीधा रुकेंगे तो लौकी नाथ जाके। टाइम 2:30 बज चुके हैं। जय माता दी। शायद ये रास्ता गया ऊपर, हमें लेना है टर्न यहाँ से किश्तवाड़ वाले रोड पे, किलाड़ किश्तवाड़ उदयपुर लोकीनाथ वाला रोड ये ऊपर की तरफ है, तो इस पे हम जाएंगे। अभी वेट कर लेता हूँ, पीछे हैं भाई लोग, उनको फिर कन्फ्यूजन ना हो इसलिए टर्न लेके चले जाएंगे। टाइम हो रखा है अभी 4:20, 5:32, 5:30 बजे पहुँचेंगे हम वहाँ पे। इस साइड जो है ना हरियाली ज्यादा है एज कम्पेयर टू कैलांग वाली साइड, अगर जाओगे वहाँ इतना नहीं है, यहाँ ज्यादा है। और कैलांग के आगे जसपा तक तो देखा मैंने थोड़ा ठीक है, और उसके आगे तो बिल्कुल ही कुछ नहीं है, बंजर है। मैं रुका था आपको दिखाने के लिए ये सुंदर सुंदर सी घाटियाँ। इस रोड में बाइकर्स भी बहुत मिल रहे हैं मेरे को। और मैं बता दूँ कि उदयपुर जो है वहाँ से साचपास के लिए भी रास्ता है, 65 किलोमीटर है वो साचपास वहाँ से। किश्तवाड़ 204 किलोमीटर, डोडा 264, उदमपुर 364, किल्लार 89, टिंडी 34 किलोमीटर। और वेलकम टू त्रिलोकीनाथ टेम्पल। तो त्रिलोकीनाथ टेम्पल तो ये है भाई, आपका हार्दिक स्वागत करता है। और ये कोई ब्रिज है, कितना सुंदर लग रहा है ब्रिज पे झंडे लगाए हुए, अति सुंदर अति सुंदर। और रोड भाई देख लो, थोड़ा सा कच्चा है बट ठीक है, आगे काम तो चल रहा है। रोड का जाने देंगे अभी नहीं जाने देंगे मसीह। भाई आगे थर तोड़ रहे हैं, रुक जाते हैं थोड़ा, ट्रक भर रहे हैं ना पीछे, ट्रक जब तक नहीं हटेगा जा नहीं पाएंगे। इशारा तो किया है, वो पत्थर रोड पे जो उन्होंने काट के डाले हैं उनको वो हटा रहे हैं वहाँ से। चलो जी थैंक यू। दो मिनट का रास्ता और है, और भेड़ें दौड़ रही हैं, दृश्य गजब अति गजब। इस ट्रिप पे ना भेड़ों के झुंड वो देखे हैं मैंने। चलो मेरे दोस्तों चलो चलो, पार्किंग लोड यही है।
सो गाइस हम पहुंच चुके हैं त्रिलोकीनाथ मंदिर, और ये देखो भाई ये है गेट, यहाँ से अंदर जाना है। उदयपुर का जो हमने हाईवे छोड़ा वहाँ से 6 किलोमीटर पड़ा, और रोड की कंडीशन थोड़ी सी ख़राब है, बट ठीक है, खुल रहा है, काम चल रहा है, ठीक हो जाएगा। ये हिमाचल प्रदेश में ना सिर्फ भगवान से संबंधित अनेक तीर्थ स्थल और मंदिर हैं, और ऐसा एक मंदिर है त्रिलोकीनाथ मंदिर जो लाहौल स्पीति के उदयपुर में है। और ये मंदिर खास इसलिए है, यहाँ पे हिंदू धर्म के लोग भी पूजा करते हैं और बौद्ध धर्म के अनुयायी भी यहाँ पूजा करते हैं। जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो त्रिलोकीनाथ देवता को शिव भगवान के रूप में पूजते हैं, और बौद्ध धर्म के जो लोग हैं अनुयायी हैं वो उसे आर्य अवलोकितेश्वर के रूप में मानते हैं, पूछते हैं। त्रिलोकीनाथ का जो पुराना नाम है वो टुंडा विहार है, और तिब्बती भाषा भाषी इसे गर्जा फक्सपा भी बोलते हैं। तो मंदिर के अंदर तो फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं, चलो मैं दर्शन करके आता हूँ। चाय पीते हैं, 6:30 हो चुके हैं और आधा घंटा रेस्ट भी हो जाएगी, फिर निकलेंगे हम और देखते हैं कहाँ रुकते हैं रात को जाके, कहाँ पहुँचते हैं। सो गाइस निकल चुके हैं हम त्रिलोकीनाथ मंदिर से, टाइम 7:10 हो चुके हैं शाम के, और हमें जाना है मनाली की साइड रात के स्टे, देखेंगे सिसु के आसपास करेंगे, 1.5 घंटा शायद लगने वाला अभी। और अभी हम हैं टांडी पुल के पास रुके हुए हैं, हमने सोचा डिनर कर ही लेते हैं, उसके बाद रूम ढूंढेंगे जाके, है ना। सिसु के आसपास रुकने का प्लान है एज ऑफ नाउ, तो देखते हैं मिल ही जाएंगे, वैसे कोई नहीं मिलेंगे तो अपने पास एक है ना, वो टेंट है ना, उसको लगा के कहीं सो जाएंगे, कंबल कुंबल भी लेके आए हैं। अरे नहीं नहीं टेंट में नहीं रह सकते ना, प्रॉपर चाहिए फिर। सो गाइस खाना खा लिया हमने, यहाँ पे कौन सा ढाबा है, पांगी ढाबा टांडी पुल के पास में, और अभी निकल रहे हैं हम सिसु की तरफ, अभी आगे पेट्रोल पंप है वहाँ पे हम पेट्रोल डलवाएंगे। चलो जी निकलते हैं, जय माता दी। इधर एक पेट्रोल पंप है वहाँ पे पेट्रोल डलवा लेंगे तो बेटर है। कुछ जुगाड़ हुआ है अकोमोडेशन का, होटल सब बुक है यहाँ के, तो सिसु के आगे हमने सोचा सिसु में रुकेंगे, सिसु के आगे सब होटल बुक है। सो गाइस अभी टाइम हो रखा है 11:46 और सोने का भी व्यवस्था हुई है, होटल तो वैसे फुल था बट एक इनका एरिया है वहाँ पे, इन्होंने बोला कि हम कंबल दे देंगे और सो सकते हैं, वहाँ पे बेंच हैं बड़े बड़े उस पर सो जाएंगे। और कल का प्रोग्राम ऐसा कि कल हम सुबह जल्दी 4 बजे निकलेंगे स्पीति वैली के लिए, तो अभी रेस्ट करनी है, डाटा भी ट्रांसफ़र करना है, और ब्लॉग ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ गाइस, और मैं आप सभी से मिलूँगा स्पीति सीरीज के 3rd ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, राइड सेफ, स्टे सेफ।